जो जारी हुए हैं, बहुत लोगों में आक्रोश है, कह रहे हैं कि ये सही से नहीं हो पाए हैं, क्या लग रहा है आपको? फिर उसके बाद हम लोगों के कमेंट लेना शुरू करते हैं। सिंपल बात ये है, जब भी हम लोग परीक्षा परिणाम करते हैं, स्वाभाविक है कि 2% पास होते हैं, 98% फेल होते हैं। सो आक्रोश हो गई, जो पास होगा वो खुश होगा, और 98% जो फेल हो गए कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएंगे। आपने माता पिता का आप कहेंगे क्या कि साहब वो बड़ी धंधली होती है कमीशन में, इसलिए मेरा नाम नहीं आया है, यही वास्तविकता यही है। साइकोलॉजी तो यही है, लेकिन इसको कोई किसी का कोई इंडिविजुअल इशू है वो पूछ सकते हैं लोग उसका। चलिए मैं कुछ क्वेश्चनिंग लिख लेता हूँ, क्योंकि बहुत लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोगों के मैं क्वेश्चन इसमें ले लेता हूँ। एक लिख रहे हैं कि सहायक लेखाकार के रिजल्ट कब जारी होंगे, ये सवाल है सर लोगों। सहायक लेखाकार रिजल्ट में यार मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसको कैंसिल करने के लिए सोच रहा हूँ मैं उसका, लेकिन उसका हमको एक बोर्ड मीटिंग होता है, केवल मेरे कहने से नहीं होता उसका, हम एक बोर्ड मीटिंग हम बैठेंगे, लेकिन मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, उसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें। जो कल परसों रिजल्ट जारी हुआ है वीडियो का, वीपीडीओ का, उसमें कह रहे हैं कि जो सही क्वेश्चनिंग थे वो भी डिलीट हो गए, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सही थे लेकिन वो डिलीट हो गए, ऐसा क्यों है? इसमें सच ये है जो क्वेश्चन डिलीट करने में चेंज करने में बहुत विवाद हमेशा होता है। सच ये है कि हर कोचिंग सेंटर में पूछेंगे, हर आदमी अपने अपने हिसाब को जवाब सवाल भेजेगा, जवाब देगा, तो अल्टीमेटली यही कि हमारा मंत्र है कि जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट भी तो इन्हीं को पढ़ाते हैं, ये बच्चे को पढ़ाते हैं अपने अपने स्कूल में कॉलेज में, उन्हीं को बुलाते हैं, उनसे पूछे जो वो कहते हैं सही मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो एक्सपर्ट कहता है उसको फाइनल माना, इवन कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी कहता है कि तुम इसको अड़ा मत डालना, उसमें जो एक्सपर्ट कहता है उसको मान लो, वही हम लोग करते हैं, इवन मैं कुछ करता नहीं उसमें, जो एक्सपर्ट कहते हैं हम सही मानते हैं। वो स्वाभाविक है कि जनरल नॉलेज वगैरह मामले में बार बार ये कोचिंग सेंटर का अलग अलग राय रहता है। अभी आप चार कोचिंग सेंटर पहुंचेंगे वो अलग अलग, कई ऐसे हैं क्योंकि कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनिंग आए थे, जैसे वंदरोगा के एग्जाम में आए थे, वो वहाँ पे सही हुआ, जो वही एग्जाम यूके ट्रिपल एससी ने करवाया था, और वही एग्जाम जो दूसरा भी उसका एग्जाम जो करवाया है वो भी यूके ट्रिपल एससी के थ्रू हुआ है, लेकिन वहाँ वो सही हो गया और यहाँ पे गलत हो गया, ये सवाल बड़े हैं लोगों के मन में। जैसे बिछेंद्र पाल का कोई सवाल था, अभी लोग कमेंट में कीजिए क्या कुछ वो सवाल हैं, वो मैं सर से पूछूंगा, तो वो गलत हुए हैं सर। ऐसा कोई इंडिविजुअली कुछ है, मैं भी सुन रहा था कोई बता रहे थे बिछेंद्र पाल के बारे में, अगर ऐसा कुछ है तो हम कंसिडर कर सकते हैं इसका, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन पहले हमने सही कहा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है जो 3 एक्सपर्ट डिस्कस करते हैं वो कहते हैं हम लीगली बाउंड है। कल हमसे कोई पूछेंगे आपने एक्सपर्ट का ओपिनियन को चेंज क्यों किया है, मेरे पास जवाब नहीं, इसके सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन फाइनल। लेकिन बार बार गलतियां क्यों होती हैं, जब भी रिजल्ट जारी होते हैं हमने देखा है कि इसमें सवाल गलत हो जाते हैं, बार बार ये सब चीजें क्यों आता है सर, ये सवाल तो बनता है बार बार। डिलीट इसलिए होती है, हर एग्जाम में होती है, देयर आर मेनी रीजंस। नंबर वन, जो 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 क्वेश्चन बनाता है वो इतना गोपनीय तरीके से बनाते हैं, किसी को अता पता नहीं रहता है, एक दो लाख पता चलता है उसका, तो इसलिए वो सुबह वो लोग गलती करेंगे। नंबर वन, कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी हिंदी अनुवाद में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं कुल मिलाकर ये कहता हूँ पूरी भारत में स्थिति ये है कि अगर 100 क्वेश्चन बनाएंगे 5 क्वेश्चन तो डिलीट होता ही है, और हमारे कमीशन में तो केवल 3 ही क्वेश्चन डिलीट होता है, क्योंकि हमारा परसेंटेज 3% आउट ऑफ 100, इसका मतलब हमारा तो बेटर है, यद्यपि देखने में लग रहा है कि इसलिए कि यहाँ के लोगों का आइडिया है नहीं कि बाकी भारत में क्या हो रहा है। नेशनल एवरेज 5% है। अच्छा, यूके ट्रिपल एससी का कितना है? 3% है। लेकिन इस बार देखा गया है तो इस बार तकरीबन, जहां पर मेरा जो डेटा आया है, जो लोग भेज रहे हैं, तकरीबन 20 सवाल इस बार डिलीट हुए। अरे गलत बोल रहे हैं, एक बैच में 5 हुआ, एक बैच में 4 हुआ, एक बैच में 2 हुआ, और ये जो आने वाले हैं जो इंटरमीडिएट एग्जाम है उसमें 2 बैच में हुआ था, एक बैच में 2 हुआ, तीसरे बैच में भी 2 हुआ, उतना ही होता है। एक और सवाल आया है कि एक ही परिवार से 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया, और ऐसे ऐसे कई परिवार हैं जिसमें एक परिवार से 2 लोगों का हो गया, 3 लोगों का हो गया है, कम से कम ऐसे 14-15 परिवार हैं जो हम पे डेटा जो आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है सर? नहीं, इट इज पॉसिबल इन द सेंस दैट हम ये कभी कह नहीं सकते हैं कि भाई बहन दोनों अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो तो साथ साथ पढ़ रहे हैं, अच्छा निकाले होंगे, लेकिन जब मेरे पास ये शिकायत मिला था, ये तो मुझे प्रूफ नहीं मिला, किसी का प्रूफ नहीं मिला कि एक ही परिवार में 5 लोग पास हुए हैं। लोग कहते हैं, लेकिन मेरे नाम तो भेज दे, मेरे पास मेरी ईमेल तो सबके पास है, भेज दें। नंबर जिन लोगों को ये डाउट है कि एक ही परिवार से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो जो अध्यक्ष हैं यूके ट्रिपल एससी के,
एस राजू जी, वो कह रहे हैं कि आप उनका नाम तो भेजिएगा तभी तो हम एक्शन करेंगे। सेकंडली मुझे स्पेसिफिक मिला कि लगभग 12 परिवार में भाई बहन या बहन बहन जब पास हो गए हैं, मैंने अभी चेक करवाया था 1 घंटे के पहले, उसमें देखे केवल 2 परिवार में ये सही हुआ, ये कोई राणा कोटी है और कोई दूसरा है, जहां दोनों बहन या एक भाई बहन पास हो के 2 शिकायत तो 12 का बार मिला था, क्योंकि लोग फादर का नाम एक ही होता है, लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन मदर का नाम दूसरा है, एड्रेस दूसरा है, 12 में मुझे 2 ही सही मिला, और वो मैं गलत नहीं कर सकता हूँ, इवन IAS में भाई बहन बहुत है। एक सवाल ये भी उठा है बार बार जो हमारे पास आ रहा है कि 2016 में जिस समय रिजल्ट जारी हुआ था, एक पर्टिकुलर नाम है, नाम नहीं लूंगा उसका, टॉप 3 में उसकी रैंक थी, उसके बाद अब 2022 में दोबारा रिजल्ट जारी हुआ है तब भी उसकी टॉप 3 में रैंक है, तो ये किस प्रकार से पॉसिबल है, किस प्रकार से संतुष्ट आप करेंगे कि भाई इसमें ये हो सकता है? तेज बच्चा होगा तो होगा, तो 3 में तो होगा, मुझे तो नहीं मालूम है 2016 में वो तीसरे नंबर में आया था, टॉप 3 में था। आप वो कहते हैं उसका तो आया होगा तब, वो मुझे तो नहीं मालूम है ऐसा था, अगर मुझे वास्तव में इसमें मैनिपुलेट करना था तो वो तो नीचे चलने नहीं जाता उसका नाम में क्यों, लेकिन लेकिन ये तो अनर्गल आरोप है, नाम दे दें पहले, सबसे पहले मैं नाम दे दें, अगर ऐसा भी है और आया भी है टॉप 3 में, तेज बच्चा होगा, जब तेज बच्चा पड़ता तो है इसका। चलिए कुछ और कमेंट हम ले लेते हैं, क्योंकि लगातार एक ट्रांसपेरेंसी होनी भी बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जब होगी, क्योंकि कई रूमर फैलते हैं उसमें, जब UK SSSC और जो बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जब एक संवाद नहीं हो पाता तो बहुत रूमर उसके होते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 733 लोग लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। एक पूछ रहे हैं कि सर LT भर्ती कब पूरी होगी? LT भर्ती में अभी हाल में 8 में कुछ स्टे खत्म हुआ था, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में अभी स्टे है वो DV करने के लिए, रिजल्ट तो घोषित कर दिया, केवल 8 में अभी तक रिजल्ट घोषित किया, वो हम जल्दी कर देंगे, क्योंकि DV में उसमें अभी भी DV के बारे में स्टे है, जैसे विकेट हो जाएगा फिर हम डिक्लेयर कर देंगे LT 8 को, बाकी तो सब तो रिजल्ट घोषित है सब में। नॉर्मलाइजेशन पे भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि 3 शिफ्टों में जो एग्जाम हुए हैं, पता चला है कि किसी के बढ़ा दिए गए हैं और किसी के घटा दिए गए हैं, तो सर ये भी पार्शलिटी हो जाएगी ना, कि क्योंकि एग्जाम तो सबने दिए हैं, इसमें कोई आरक्षण तो होता नहीं है इस प्रकार सा, और लेकिन जो नंबर जिसके 68 आए हैं, पता चला है उनके 75 नंबर हो गए, और जिसके 75 आए हैं उनके घट गए, तो ऐसे में बच्चों को बड़ा डाउट हो रहा है कि उन्हें संदेह में क्यों रखा जा रहा है इस प्रकार से, एक साथ एग्जाम क्यों नहीं करवाए जा रहे? ठीक है, इसका जो अगर आप देख लें, जो नॉर्मलाइजेशन के मतलब ही यही है, कुछ कठिन बैच में अधिक नंबर मिलेगा और कुछ इसी बैच में नंबर घटेगा, तो इसमें नंबर घटाना बढ़ाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो घटेगा बढ़ेगा हमेशा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 3 बैच है, एक बैच में लगभग 4.5 मार्क बढ़ा था, 4.5, और एक और बैच में 0.98 बढ़ा है, और एक और बैच में -2.6 है, ये स्वाभाविक है, हर नॉर्मलाइजेशन में होता है, इवन IAS IPS में होता है, जब मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, लोग विश्वास नहीं करते हैं, इवन जो IAS IPS का जो UPSC एग्जाम होता है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है, उसको स्केलिंग कहते हैं, इतना फर्क है, नॉर्मलाइजेशन सब में होता है, तो एक ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक साथ जो, क्योंकि एक शिफ्ट में सबके एग्जाम कराए जाएं तो वो एक शिफ्ट में क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग तो करवाता है एक शिफ्ट में एग्जाम, अभी जो करवाया था 2.5 लाख बच्चों के आसपास। टू थिंग्स, वन इज दैट जहां तक लोक सेवा आयोग का बात है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, तो वो ठीक नहीं रहेगा उसका, लेकिन प्रिलिमिनरी और हमारे एग्जाम में बहुत फर्क है, प्रिलिमिनरी में 19-20 भी चल जाएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी के बाद मेन एग्जाम होता है, मेन के बाद इंटरव्यू होता है, तो प्रिलिमिनरी में अगर मतलब 19-20 है तो फिर भी दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा UKPSC में 19-20 हुआ था, कुछ घटना तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उतना रिस्क नहीं ले पाते हैं। देखिए कमेंट भी आ रहे हैं कि मेरे 10 नंबर कम हुए थे थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि इतने और जहां तक लोगों का मांग ये है कि एक ही बैच में किया जाए, मैं इस बात के पूर्ण सहमत हूँ कि अब एक ही बैच में करने के लिए कोशिश करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो अभी तक आप देखें कि लाइक हम ऐसे सेंटर चुनते हैं जहाँ मतलब क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता हो या जैमर रखता हो, कभी कभी जैमर मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, UKSSC हर एग्जाम में जैमर रखता है,
अन्य बॉडीज में ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले एग्जाम जो भी करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें जितना मैक्सिमम सेंटर ले ले उसको ले ले इसको, और लेकिन जैमर के साथ, बिना जैमर में अलाउ नहीं करूँगा। लेकिन आप ये भी सोच लीजिएगा, अभी तक पिछली 5 साल में हमारे कम से कम रिकॉर्ड रहा, एक भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। वो इसलिए हम लोग बहुत 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 केयरफुली चयन करते हैं इसका, क्योंकि बच्चों का सवाल इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोगों ने फोटोज वगैरह भेजे हैं कि हमारे गांव में पुजारी था और उसका कैसा सिलेक्शन हो गया, ये तो हमारे उसमें ड्राइविंग का काम करता था गांव में ही, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी, उसका कैसा सिलेक्शन हो गया, इस प्रकार के आरोप भी लगा रहे हैं, तो उन पर क्या कहेंगे आप? आरोप जो भी लगा रहे हैं मुझे प्रूफ दिखा दें, मेरे ईमेल सबके पास है, भेज दें, मेरे पास बाई नेम भेज दें, हम लोग जांच करेंगे इसका। अगर जांच करें मैं पहला आदमी होगा जो जांच के लिए, वो जो तगड़ा जांच के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मुझे प्रमा फेसी कोई सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो लेकिन लोग इसलिए इसमें आरोप लगा रहे, एक और कारण है इसमें, 2016 में मेरे आने के पहले यहाँ इस तरह का ये घपला हुआ था, वहाँ वो भी VDP वही हुआ था, इसलिए लोग जो बार बार वो VPD को याद रखता कि VPD का मतलब कुछ तो घपला हो रहा होगा, यही प्रॉब्लम है। एक कमेंट लिखते हैं कि सर अगर हम RTI लगाएं तो सेलेक्ट बच्चों में रो मार्क्स और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखाए जाएं तो क्या आयोग प्रोवाइड करवाएगा इन सब चीज़ों को? RTI का जरूर नहीं भाई, अभी अगले 4-5 दिन में अंदर आप सबको अपने अपने राम मार्क और नॉर्मल सब मिलेगा। अच्छा, आपको मिले अपना आप मिलेगा, आपको RTI लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड शिफ्ट का पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, इस प्रकार के कमेंट भी लोग लगातार कर रहे हैं। एक कमेंट कर रहे हैं सर, सभी भर्ती आज कोर्ट में क्यों है? ये मैं पहले भी आपसे सवाल पूछ चुका हूँ, दोबारा एक बार फिर से सेटिस्फाई कर दीजिएगा, क्योंकि हर भर्ती कोर्ट में जाती है। देखो हर भर्ती कोर्ट में तो जाएगा, क्योंकि जो बॉर्डर में है, जिसका 0.5 में छूट गया, 0.1 में छूट गया, 1 मार्क में 2 मार्क छूट गया, वो तो किसी से बहाना चाहता है कि कोर्ट में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, है ना। लेकिन आप इतना मान लीजिए, अभी तक कोर्ट में इस तरह का मामले गए हैं, 80% लोग वहाँ कोर्ट में फेल ही हुए, पास नहीं हुए हैं, तो लोग तो ट्राई करते हैं, कोई आशा रहता है कि भाई 1 मार्क 2 मार्क बढ़ जाए हमारा। जिन जिन का डाउट है वो जल्दी जल्दी लगातार आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन सही कमेंट कीजिएगा, अनगढ़ कमेंट मत कीजिएगा, जो आपको सवाल सर से पूछने हैं। लगातार अभी तकरीबन 1000 लोग के आसपास हमें लाइव में देख रहे हैं। सर लोग लगातार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो बाकी बची हुई जो बैकलॉग जिनका रिजल्ट आना है वो कब तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे जो बाकी जो एग्जाम के जिनके रिजल्ट आने हैं? अभी मेरे पास ये कि मेरा एक मेजर एग्जाम है, वो इंटरमीडिएट एग्जाम है, जो जिसमें लगभग 746 लोगों का है, वो मेरे ख्याल में अगले 15 दिन में उसको निकाल देंगे। अच्छा। और उसमें ये भी कह सकता है कि चिंता मत करिएगा, उसमें केवल 2-2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है हर बैच में, तो उसमें भी लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो होगा उसमें भी। इसके अलावा बहुत सारा वेटिंग लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट मतलब फॉरेस्ट गार्ड का है और इस तरह का वेटिंग लिस्ट है, वो हम अप्रैल 30 तक में निकाल लूंगा उसको। ये सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि पटवारी की शारीरिक परीक्षा को पेपर 1 साल बाद ऐसा क्यों है, मतलब शारीरिक परीक्षा का पेपर 1 साल बाद क्यों होता है, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, ये लोग तो ये जानते हैं कि फिजिकल एग्जाम करने में UKSSC थोड़ा लेट लतीफी हो गई थी, इसलिए हम लोग ने शासन को एक प्रस्ताव लगभग 1 साल के पहले भेज दिया था, यार पहले हम रिटर्न करेंगे, बाद में जो पास होते हैं उसमें फिजिकल के, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में किया गया था, लेकिन अभी तक शासन से 1.5 साल से पड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हम बताने की स्थिति में नहीं है कि पहले फिजिकल करेंगे या बाद में फिजिकल करेंगे। अच्छा, लेकिन बच्चे तो बड़े परेशान हो रहे हैं, 1-1 साल का बड़ा लंबा समय नहीं हो जाएगा? करेंगे अगर शासन में 1.5 साल पेंडिंग है, क्योंकि शासन में एक नियमावली होता है, नियमावली में लिखा है पहले फिजिकल करो ये करो, लेकिन हम लोग सोच रहे थे पहले हम रिटर्न कर देंगे तो पैसा भी बच जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, सो जल्दी होने के चक्कर में हम कर रहे हैं इसका। इन एनी केस लोग गलत बोल रहे हैं पटवारी के बारे में, मैं पर्सनली ये चाह रहा हूँ कि ये जो कांस्टेबल है और SI है, इन दोनों के एग्जाम निकल जाए, इसके बाद पटवारी रखना बेटर होगा, बिकॉज जो SI में निकला निकल जाए, जो कांस्टेबल निकल निकल जाए, इसके बाद जो पटवारी में कर। 3 महीने से आयोग ने कोर्ट का अपना पक्ष LT भर्ती में क्यों नहीं रखा? पंत नीरज जी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि 3 महीने हो गए हैं अभी तक क्यों नहीं रखा है। कौन सी केस, आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी LT भर्ती के बारे में पूछ रहे हैं। LT भर्ती में ऐसा कुछ एक ही केस में कुछ स्टे है, वो तो एक तो अभी भी जो 800 वाला हुआ था। अच्छा। और दूसरा अभी मेरे ख्याल में 1 महीने के पहले उसको DB हुआ था उसका।
सर एक सवाल ये आया रविंद्र सिंह नेगी का, ये पूछ रहे हैं कि सर उत्तराखंड में कौन सी बुक मान्य है, कृपया मानक पुस्तक की डिटेल बताएं कौन सी बुक मान्य है, क्योंकि बच्चे तो परेशान हो जाएंगे अलग अलग कोचिंग में अलग अलग तरीके से अगर सवाल अलग अलग बताए जाएंगे तो सही कौन सा है मान्य। देखिए किसी भी कमीशन अपने किताब के बारे में कभी कहता नहीं है, ना मैं कहूँगा, केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ एनसीईआरटी है उस तो हम लोग सही मानते हैं, एनसीईआरटी को छोड़कर जो बाकी किताब के बारे में ना मैं रिकमेंड करूँगा ना हम लोग पब्लिश करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम तो एक्सपर्ट ओपिनियन आधार पर जाते हैं कि वो एक्सपर्ट आपने ऐसा नहीं है किताब का मतलब वो सही है, यहाँ हर किताब में अलग अलग दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, पुलिस की भर्ती के लिए भी पूछ रहे हैं कि कब तक हो जाएगी, कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल कब होगा, कुछ ये भी पूछ रहे हैं। ये कांस्टेबल भर्ती के तो पुलिस हेडक्वार्टर से निकाल दिए थे, लेकिन मेरा जो माननीय मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, मैं चाह रहा था इसको थोड़ा एज बढ़ जाए, कम से कम 25 तक बढ़ जाए, वो एक बार बढ़ने के बाद दोबारा उन लोगों को मौका देना पड़ेगा, अगर एक माल एज बढ़ जाएगा उनको भी एप्लीकेशन वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, इसलिए फिजिकल स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा, थर्ड शिफ्ट में बात करें, जो थर्ड शिफ्ट में मिनिमम कैंडिडेट क्यों सेलेक्ट हुए, जो वीडियो इसका एग्जाम हुआ था, ये भी सवाल पूछ रहे हैं थर्ड शिफ्ट में। दैट आई विल चेक, वास्तव में सही है गलत है, दैट आई विल फाइंड आउट एंड गिव अ रिप्लाई थ्रू संवाद, मैं करूंगा जरूर। जी, जिनको डाउट है सर ने अपना ईमेल आईडी बताया कि ईमेल आईडी पे आप पूछिएगा अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से ये होना चाहिए, आपके पास कुछ इस प्रकार से सबूत वगैरह हैं जो आप जो बार बार इल्जाम जो लगा देते हैं सबूत दे दें तो उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। सर अपना ईमेल आईडी वगैरह बता दीजिएगा ताकि और आसानी हो जाए, हमारे थ्रू करीबन 1200 लोग तकरीबन हमें देख रहे हैं। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंशियल ईमेल है जो केवल मैं ही खोलता हूँ, उसका नाम सिंपल है चेयरमैन पब्लिक UKSSC UK SSC, चेयरमैन UK SSC पब्लिक, वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे @gmail.com, तो उसमें भेज दीजिए, अगर जो सच है मैं आपको बता दूंगा इसका। UPCL पिटकुल के 4 बच्चों का रिजल्ट 3 महीने से रोका है, प्लीज रिजल्ट के बारे में भी कह रहे हैं क्योंकि 4 बच्चों का रिजल्ट अभी रोका हुआ है। ये मुझे नहीं मालूम है कौन सा 4 बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे को हमने भेजा था वहाँ मना करके वापस करते हैं, उस तरह इसके बात रहेगा, अगर नाम पता तो मैं देख सकता हूँ। आप ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल कर दें, ईमेल आईडी आपको सर ने प्रोवाइड करवा दी है। ये पूछ रहे हैं फिरोज मलिक जी, पूछ रहे हैं कि वन दरोगा की जांच कहाँ तक पहुँची है सर, वन दरोगा की जो जाँच। देखो वन दरोगा में अभी 8 हफ्ते समय दिए हैं, जरूर गलती तो हुआ कमीशन में, उसमें मैं जब हम गलती करते हैं मैं बोल भी देता हूं उसको, हम किसी को छुपाते नहीं है, इसको गलती हुई है, इसलिए गलती हुई है कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं कि इसमें और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्या, निरस्त करना चाहिए या किसी और तरीका है उसको सॉल्व करने के लिए, या विदाउट डिलीशन मार्क दे दें सबको या स्केलिंग कर दें, ये मैं सोच रहा हूँ इसको। सर एक सवाल भी लिख रहे हैं लोग, अनिल बिश्ची लिखते हैं कि एनसीईआरटी में बिछेंद्री पाल सही है, आयोग ने उसे डिलीट कर दिया, एक बिछेंद्री पाल का बड़ा सवाल आ रहा है, उसके आप जरूर चेक करवाइएगा, बिछेंद्री पाल वाला जो सवाल है उस पर जरूर। ऑफर बता नहीं पाऊंगा इसका, ऑफर में बता नहीं पाऊंगा, मैं चेक कर लूंगा, मैं भी एक सुन रहा था किसी वीडियो में, कई ऐसे सवाल हैं जो डिलीट हो गए और बिल्कुल एनसीईआरटी में उसमें ठीक है उसमें वो सवाल। अनिल उनियाल जी लिखते हैं कि एलटी भर्ती में हिंदी और ऑफिशियल के केस में आयोग अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है कोर्ट में, एलटी भर्ती की जो बात कर रहे हैं, हिंदी हिंदी और फिजिकल के केस में आयोग अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है, एक ही क्वेश्चन है इसका, पक्ष तो रख रहा है कल, जब कोर्ट में विलंब होता है मेरे ऊपर दोष मत दे दीजिएगा इसका, कोर्ट में जाकर पकड़ के थोड़ी करवाएंगे, अब आप जज साहब को, जज साहब जब समय देंगे उस समय बता देंगे आप उसको। सुनील भट्ट जी लिखते हैं कि रीजनल रीजनिंग जैसे सवालों में 3 ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, कुछ 3 ऑप्शन वाला भी है क्या रीजनिंग वाले में, लिख रहे हैं जब 4 ऑप्शन होता है ना, 4 में 3 सही भी हो सकता है, अच्छा वो भी सकता, अगर नहीं है तो वो तो एक्सपर्ट के ऊपर है ना, हम तो सॉल्व करके, रीजनिंग में तो प्रॉब्लम सिंपल है, वो तो हम सॉल्व करके देखते हैं ना, तो अगर तीन है तो अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते हैं मैं देख लूंगा उसका। फॉरेस्ट गार्ड में कितने पोस्ट की वेटिंग आएगी, ये भी पूछ रहे हैं सर। लगभग मेरे ख्याल में 150 के आसपास है, उतना 159 ऐसा कुछ है उसका, वेटिंग अभी आ जाना चाहिए 10 दिन में। ठीक है, मैं और सवाल भी लेता हूँ, लगातार आप सवाल पूछेगा पर जाए सवाल पूछेगा जो सर से आपको सवाल पूछने हैं। वरुण शर्मा जी लिखते हैं कि इसमें पहला सवाल, इन पहले 2016 में पेपर रद्द हुआ है उसमें top 3 वाला लड़का, हाँ ये मैंने पूछ चुका हूँ जो आप बात बता रहे हैं, top 3 वाला जो पहले 2016 में जिसका सिलेक्शन हुआ है और 2022 में भी सिलेक्शन हुआ है,
तो उनके बारे में बताइएगा, डिटेल क्या है सर को उसकी जांच करवाएंगे, सवाल मैं पूछ चुका हूँ। अखिल चौहान जी लिखते हैं कि एनएच वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन डिलीट क्यों हुआ, उसको एनएच वाले क्वेश्चन, सर मैं आपको जो डिटेल है वो भी इंडिविजुअल क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछना नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसे से दैट मुझे भी नहीं मालूम है, जो एक्सपर्ट कहते हैं वही हम लोग मान लेते हैं, और फिर भी डाउट है तो मुझे ईमेल में भेज दे। हाँ, कुछ लोग लिखते हैं कि सर क्या हम ये आश्वस्त हुए कि आगे के पेपर एक शिफ्ट में होंगे, क्योंकि तीन शिफ्ट में करके इसमें बच्चों को बड़ा डाउट इसमें होता है और संशय इसमें उत्पन्न होता है। भैया मैं आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू डू इट इन वन बैच, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना इसका, आपको अब देखना पड़ेगा, सीबीटी दूसरा है और ऑफलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन में मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट मैक्सिमम जो है इसका तो एक ही शिफ्ट में हो जाए इसका, वो तो मैं ट्राई करूँगा। लेकिन आप ये लॉजिक मत दे दीजिए कि अगर यूके पीएससी 2 लाख कर सकता है, मैं तो आपको पहले बता दिया है कि हमारे एग्जाम जो है बहुत ही हम लोग समझ सोच के सेंटर रखते हैं, तो इसलिए मैं 100% वादा नहीं करूँगा, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एग्जाम किसी भी बैच 7000 के ऊपर ही होता है, हमारा कंप्यूटर ही 7000 है, तो अगर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम करना है फिर तो हमको शिफ्ट में करना ही पड़ेगा। ठीक है, कई डाउट ऐसे आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर जो था वो उसका टॉप सिलेक्शन हो गया है, ऐसे भी आ रहे हैं कि जो एक्स आर्मी मैन है उसका भी टॉप में सिलेक्शन उसका हो गया, इस प्रकार के डाउट भी हैं कई, ये रूमर है कि ड्राइवर के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन सब लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं, उसमें मेरिट में नंबर 2 में एक सर्विसमैन है, और सब लोग कहते हैं एक सर्विसमैन कैसे आ गया नंबर 2 में आ गया है, सच ये है कि बहुत सारा लोग लापरवाही से साइबर कैफे में जाके बरवा कहते हैं, और वो एक सर्विसमैन निश्चित रूप में कहता है वो गलत होगा, वो जब आएगा डीवी के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा मैं जरूर। इस तरह का कई लोग गलत, गैर जिम्मेदार रहना है, माँ बाप ने पैसा दे दिया, ले आया साइबर कैफे में और दे दिया उनको और चला गया, वो देखा भी नहीं, वो बरा गया इसका, और बहुत सारा केस ऐसा है जो मेल जो है अपने आपको फीमेल लिख रखा है, उसको मैंने मना ही कर दिया, कोर्ट में जाकर वहाँ भी हारा, कोर्ट ने कह दिया तुमने फीमेल लिखा था तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, कुछ और क्वेश्चनिंग ले लेते हैं, असिस्टेंट अकाउंट के रिजल्ट के लिए पूछिए सर प्लीज, असिस्टेंट अकाउंट के रिजल्ट के लिए भी पूछ रहे हैं, ज्योति शाना सिंह जी पूछती हैं कब तक जाए। ये तो पहले बता दिया ना, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या करना है, मैं अकेला लेकिन फैसला नहीं सर ले सकता हूँ, मेरे एक बोर्ड है उसमें हम 3 मेंबर हैं, हम तीनों मिलकर फैसला लेते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, कब तक मतलब ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो इंतजार करते रहेंगे, फैसला कब तक हो जाएगा इसका? एक महीने के अंदर हो जाएगा। ठीक है, एक महीने के अंदर हो जाएगा, और टाइम भी मैं देख लेता हूँ, सर हमने आधा घंटे का ही टाइम लिया था, अभी 22 मिनट हमारे हुए हैं, रेनु डाउट क्लियर होने जरूरी हैं सर, क्योंकि ऐसा होता है जब मौका मिलता है मुझसे लोग बात नहीं करते जल्दी, हाँ वहाँ मेरे पास आते भी नहीं है लोग, बताते भी नहीं और आप तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। हाँ जल्दी आते, हाँ नहीं वो सिफारिश करके आते हैं। महिमा जी लिखते हैं कि वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी सर? कोर्ट ने 8 हफ्ते समय दिया है, लगभग खत्म होने वाला है, हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे, उसको हम इसको भी एक्सट्रा ओपन ले रहे हैं इसका। स्टेनो का भी पूछ रहे हैं, 2018 से वेटिंग में चल रहा है स्टेनो का रिजल्ट। वो एक केस था जिसमें एक बैच में कुछ गड़बड़ हो गया, 2 बजे गड़बड़ हो गया था, वो मुझे इंडिविजुअली अगर मुझे नाम भेजेंगे तो उसको जल्दी निकाल कर, लेकिन जो भी वेटिंग लिस्ट है अप्रैल 30 तक हम निकालने की कोशिश करेंगे उसमें थोड़ा। एक्चुअली मैं बीच में छुट्टी में चला गया था मेरी बेटी की शादी में, जब मैं वापस आते इसके बाद इस सबको मैं टैग कर रखा हूँ उसको, थोड़ा जल्दी आ जाएगा, अप्रैल 30 तक आ जाना चाहिए सभी वेटिंग लिस्ट। कुछ लोग सजेशन भी दे रहे हैं कि सर आपको ऑफलाइन एग्जाम सबसे बेटर है, इस बारे में क्या कहेंगे? भैया ऑफलाइन एग्जाम बेटर आप कह रहे हो, लेकिन पूरा दुनिया सीबीटी कर रहा है, पूरा दुनिया ऑनलाइन कर रहा है, हम क्या अभी भी आप विश्वास सदर भी जाएंगे उत्तराखंड में, हम लोग वी कान गो बैक टू 20th सेंचुरी ना, जब भारत सरकार में 90% जब ऑनलाइन में कर रहे हैं, अब जो यूनिवर्सिटी में जो होने वाला है मेरे ख्याल में गढ़वाल यूनिवर्सिटी कुमारी सब में ऑनलाइन हो जाएगा, होने वाले हैं गढ़वाल तो होना ही सर यूनिवर्सिटी में, बाकी में भी होने वाले हैं, जब पूरा दुनिया ऑनलाइन कर रहा है तो हम क्या पीछे जाएंगे उत्तराखंड में? लेकिन सर इसकी जांच जरूर करवाइएगा, क्योंकि बहुत ये सवाल पूछ रहे हैं कि सही जो क्वेश्चनिंग थे उनको डिलीट किया गया है, जो सही क्वेश्चनिंग थे, बहुत सवाल ही आ रहे हैं इस तरीके। देखिए वो तो मैं करना, जब जैसे ये भी ये इसकी पीछे भी साइकोलॉजी ये है, किसी को एक मार्क बढ़ गया था वो तो पास हो गया, किसी को एक मार्क कम हो गया, इसलिए लोग जहाँ तक क्वेश्चंस है क्वेश्चंस के बारे में आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, बिकॉज जो एक्सपर्ट कहता है वो मेरे लिए मान है, जब कोर्ट में भी मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ सर जरा एक्सपर्ट ओपिनियन ये आप देख लीजिएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि तो जांच करवाई सकते हैं इन सब चीज़ों की, अगर ईमेल एकदम एक बार दिखवा सकता हूँ, अगर किसी के साथ वास्तव में अन्याय होगा तो मैं देख सकता हूँ, मैं पर्सनली देख सकता हूँ, बस नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, एलटी के रिजल्ट पे भी बहुत सवाल आ रहे हैं कि डीवी जारी कीजिएगा, डीवी कब तक होगी? डीवी में स्टे है ना,
डीवी में स्टे है, एक स्टे हुआ था उसमें आर्ट्स में, एलटी आर्ट्स में, वो अब खत्म हो गया। इसके बाद एक और केस में डीवी में स्टे है, जैसे स्टे वेकेंट हो जाता है फिर हम लोग डीवी कर देंगे एलटी में। यूपीसीएल के 52 कोड में जो रुके हुए जो हैं उनका रिजल्ट कब तक जारी हो, 102 लोग हैं, लगातार सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि उनके रिजल्ट कब जारी, धरने पर भी बैठे थे लोग, हमने भी खुद कवर किया था। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है वर्नर, इसमें जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारा लोगों ने ओबीसी सर्टिफिकेट है नहीं। अच्छा। लेकिन तहसीलदार कह रहा है कि हाँ ओबीसी है, तो उसमें निर्णय लेकर थोड़ा देर हो गया था, अभी फाइनली मैंने निर्णय ले चुका हूँ कि अगर तहसीलदार कहते हैं, लेकिन अभी उसमें हमने एक फैसला लिया कि भविष्य में हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं है, ये तहसीलदार सर्टिफिकेट का। तो उसी तरह का हम लोग में सोच रहा हूँ, उसको से डिले हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी अप्रैल अगले 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए उसको। लास्ट सवाल सर, जाते जाते क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, अब कौन कौन सी नई वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है, अब कौन कौन सी नई वैकेंसीज आने वाली है और कितनी वैकेंसीज आनी वाली है? देखिए अभी तो हमने ऑलरेडी कैलेंडर तो जारी कर दिया है अराउंड 5,000 का, अभी मेरे पास पेंडिंग है मात्र 500 अभी पेंडिंग है, सो इसको तो मैं निकालूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा जुलाई अगस्त तक वेट करूंगा, जब थोड़ा बड़ी संख्या में आ जाएं, बिकॉज कुछ इंजीनियर्स का कुछ पेंडिंग है 50-60 और कुछ बाबलों का कुछ पेंडिंग है, लेकिन जब बड़ी संख्या में हो जाए इसको मैं निकालूंगा।